तंदूर, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, तंदूरी चिकन या तंदूरी प्लेटर? बेसिकली खाने पीने की चीज़ें और मुंह में पानी, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी तंदूर में किसी को जला दिया गया, तब आप क्या सोचेंगे? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया सिपाहा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नैना सहानी केस, इनफेमसली नोन एज तंदूर कांड। बात है 1995 की। दिल्ली में एक होटल हुआ करता था अशोक यात्री निवास, जहाँ पे अब शंग्रीला होटल है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है दिल्ली में। वहाँ पर एक बागीचा रेस्टोरेंट था। एक रात की बात है, वहाँ पे बाहर एक सब्जी वाली बैठी हुई थी। वो अपना वाइंड अप कर रही थी, सब्जी बेचा करती थी उसी होटल के सामने। वो जब रात को वाइंड अप कर रही थी, तब उसने अचानक देखा कि उस बागीचा रेस्टोरेंट में से बहुत तेज आग की लपटें आ रही हैं। वो परेशान हो गई, उसको लगा ये दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल, ये क्या है? तो उसने जल्दी से वहाँ पे जो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी उनको कॉल किया, उनको वहाँ से वो जा रहे थे उनको बुलाया और उनसे बोला कि ये देखिए यहाँ पे कितनी तेज़ी से आग की लपटें आ रही हैं। वो जो बगीचा रेस्टोरेंट था उसमें दीवारें थी, दीवारों के ऊपर थोड़ा सा गैप था और उसके ऊपर टेंट सॉर्ट ऑफ था, तो वो जो लपटें थी वो उस दीवारों के ऊपर भी आ रही थी। तो जब पुलिस ने भी ये चीज़ देखी तो उनको भी थोड़ा सा अनयूजुअल लगा, क्योंकि वो वहीं पे थे, उनकी ड्यूटी वहीं पे थी। तो वो तुरंत पहुँचे और वहाँ पे नॉक किया कि क्या बात है, कैसी आग लग रही है। तो वहाँ पे एक केशव नाम का पर्सन था, उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग कुछ पुराने पैम्फलेट्स हैं उसको जला रहे हैं, और उनको भेज दिया। उसके बाद वो चले गए। फिर उनको लगा कि नहीं आग तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो दोबारा गए, घुसने की कोशिश करी मगर वो नहीं माने। तो वो चुपचाप आ गया, पर उसको शक पूरी तरीके से हो चुका था कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने पुलिस, जो बाकी पुलिस मैन थे, उनको बुलाया। फिर जहाँ पे जैसे ही पुलिस पहुँची और बहुत कोशिश करी किसी तरीके से, केशव ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस अंदर पहुँच गई। जब पुलिस अंदर पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तंदूर में बहुत तेज़ आग की लपटें आ रही हैं। उन्हें भी बहुत अनयूजुअल लगा, बोले ऐसा क्या जला रहे हो जो इतनी तेज़ लपटें आ रही हैं? और ये सिर्फ आप ही के रेस्टोरेंट को नहीं जलाएगा, यहाँ आसपास सारे होटल्स हैं, वहाँ पे भी आग लग जाएगी, ऐसा क्या जल रहा है? तो बोले कुछ नहीं। फिर उन्होंने बोला कि हम पुराने पैम्फलेट्स जो हैं वो उसको जला रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं चलिए देखते हैं क्या है। तो वहाँ उन्होंने थोड़ा सा आग में पानी वानी डाला, उसे बुझाने की कोशिश करी। जैसे ही बुझाने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि एक हाथ, उंगलियाँ जो हैं वो नज़र आई। अब ये नज़र आते ही उन्होंने तुरंत उसको पानी डाल के वो आग को शांत किया और केशव को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ करी। पहले तो केशव ने बहुत टालने की कोशिश करी कि ये क्या है। जब कन्फेशन हुआ तो कहानी कुछ इस तरीके से आई। सुशील शर्मा नाम का एक यूथ कांग्रेस का लीडर था, जो DU में पढ़ाई करते थे, वहीं उनकी पहचान हुई नैना सहानी से, वो भी वहाँ पढ़ती थी। दोनों काफ़ी एक्टिव थे, अच्छे दोस्त थे। इनका एक और दोस्त था मतलूब खान, वो भी वहाँ पे साथ में पढ़ाई करते थे। कुछ दिनों बाद मतलूब और की दोस्ती जो है वो नैना से काफ़ी अच्छी थी, और सुशील कुमार से पहले उसकी उससे दोस्ती थी। ऐसा कहा जाता है कि शायद नैना और मतलूब शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन ग्रेजुअली नैना की शादी जो है वो सुशील कुमार से हो गई। सुशील कुमार को हमेशा एक शक रहा कि नैना का अफेयर मतलूब से चल रहा है, जबकि दोनों तरह की बातें, इसमें सच्चाई क्या है ये कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि उनका उससे अफेयर था। अंत तक मतलूब खान का यही कहना था कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी और कुछ नहीं। दोनों की, सुशील कुमार की और नैना की शादी हो गई। दोनों वहाँ पे गोल मार्केट, अगर जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वहाँ उनको पता होगा गोल मार्केट है, गोल मार्केट के पास में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। चूँकि सुशील कुमार जो यूथ कांग्रेस का लीडर था तो इसलिए उसको वहाँ पे गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिली हुई थी। वो दोनों वहाँ पे रहा करते थे, शादी अच्छी चल रही थी, दोनों में अच्छा कुछ था। लेकिन हर बार कभी भी मतलूब की बात आती थी तो सुशील कुमार को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती थी, और वो हमेशा इसी बात को लेकर शक करता था जिसको नैना सहानी लगातार डिनाई करती थी कि उसकी मतलूब से सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं।
एक शाम सुशील कुमार घर वापस आए और उन्होंने देखा नैना लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही हैं। उस ज़माने में लैंडलाइन होते थे, मोबाइल बहुत कम हुआ करते थे, पेजर ज़रूर इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो मोबाइल बहुत कम होते थे, लैंडलाइन ज़्यादा यूज़ होता था। तो उन्होंने देखा कि वो लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही हैं और जैसे ही उसने देखा कि सुशील कुमार आ गए हैं तो उसने फ़ोन तुरंत काट दिया। सुशील ने पूछा किससे बात कर रही थी, तो उसने कहा कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। तो फिर वो अंदर चली गई, तो सुशील ने रीडायल किया। जब रीडायल किया तो फ़ोन उधर से मतलूब ने उठाया। बस मतलूब की आवाज़ सुनते ही उसने तुरंत फ़ोन तो काट दिया, पर उसका गुस्सा जो था वो सातवें आसमान पे था। उसने नैना से कहा तो मतलूब से बात कर रही थी, तो पहले तो उसने मना किया, फिर उसने आपस में लोगों की बहस हुई, बहस बहुत ज़्यादा हो गई। और जब बहुत ज़्यादा बहस हुई तो सुशील कुमार को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से आने के बाद उसने क्या किया, उसके पास एक पिस्टल थी, लाइसेंस्ड पिस्टल थी, वो उठाया और लगातार 3 गोली नैना सहानी को मार दी। पहली गोली जो थी वो दीवार पर लगी, दूसरी गोली नैना के गर्दन पर लगी और तीसरा शॉट सीधे सिर पर लगा, जिसके लगते ही नैना की स्पॉट डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तब सुशील कुमार को समझ में आया कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया, क्योंकि ये सब एक स्पर ऑफ मोमेंट में हुआ था, इट वॉज़ नॉट प्लान्ड। उसको गुस्सा आया, बहस हुई और उसने उसको गोली मार दी। अब सुशील कुमार डर गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने फिर अपने घर में एक बड़ी सी पॉलीथिन थी, उसमें नैना की डेड बॉडी डाली, फिर एक बोरा लिया, फिर उसको पॉलीथिन समेत उस बोरे में डाला, घर से सारा ब्लड साफ़ किया, घर को पूरा क्लीन किया और उसकी लाश को बोरे को लेकर अपनी गाड़ी में निकला। उस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। वो वहाँ से कनॉट प्लेस गया, क्योंकि गोल मार्केट से कनॉट प्लेस काफ़ी पास है, वो वहाँ गए, वहाँ ढूंढता रहा, उसको लगा कहीं पे कुछ खाली जगह दिखेगी तो मैं लाश फेंक दूंगा। बट ये सबको मालूम है कि दिल्ली का सीपी जो है कनॉट प्लेस, वो बहुत ही क्राउडेड रहता है हमेशा रात तक। वहाँ ना जन मिलने पर वो ITO पहुँचा, ITO से ब्रिज पे करते हुए वो नोएडा की तरफ जाने लगा कि कहीं यमुना में उसको जगह मिलेगी तो वहाँ फेंक दूंगा। मगर जैसा कि बताया कि रात के 9:30 के बीच की ये बातें हो रही थी, उस वक्त बहुत क्राउड रहता है दिल्ली में, उसको घूमता रहा वह और उसको कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे वो नैना की लाश को ठिकाने लगा सकता था। अब उसकी गाड़ी जो थी वो बहुत ही प्रोमिनेंट थी, उसकी गाड़ी में, चूँकि वो यूथ कांग्रेस का लीडर था तो वहाँ पे उसकी गाड़ी में पोस्टर्स भी लगे हुए थे और बाकी चीज़ें भी थी, जिससे बहुत आराम से पता चल जाता कि वो कौन है। तो वो कुछ नहीं कर पाया। अंत में उसने सोचा कि मैं बागीचा रेस्टोरेंट जाता हूँ, जो उसी का था उस समय। तो वो अशोक यात्री निवास होटल जिसमें बागीचा रेस्टोरेंट था वो वहाँ पहुँचा। वहाँ पे जो केयर टेकर था रेस्टोरेंट का, ही वॉज केशव। उसने गाड़ी पार्क करी और केशव के पास गया और बोला कि रेस्टोरेंट को बंद करा दो। तो उसने कहा ऐसे कैसे बंद करा दें, तो पीक टाइम है, लोग आ रहे हैं, खाना चल रहा है, अभी कैसे बंद करा दें। उन्हें मैंने कहा रेस्टोरेंट को बंद करा दो अभी, जो हैं बैठे उनको खाना दो और बाकियों को आने मत दो, लाइट्स वगैरह ऑफ करना शुरू कर दो। केशव ने वैसे ही किया, उसको समझ में नहीं आया पहले कि इतना घबराया वो, ये क्यों। फिर रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो गया, सब लोग चले गए। जब सब चले गए तो इन लोगों ने चारों तरफ से बंद किया उस रेस्टोरेंट को। और फिर सुशील ने केशव को बताया कि उससे ये गलती हो गई, वो नहीं चाहता था मर्डर करना, मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको मार दिया। तो बोले तो अब क्या करना है। केशव भी डर गया, उसने पूछा अब क्या करना है। तब सुशील ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी कि कहीं इधर उधर इसको फेंक दिया जाए, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा हो नहीं पाएगा। तो ऐसा करते हुए तंदूर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो होटल में तंदूर की साइज़ बहुत बड़ी रहती है, तो बोले इसको तंदूर में जला देते हैं और राख हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को और हमारा काम भी हो जाएगा। अब ये बात सुन के सुशील को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसको, वो उसका बहुत लॉयल था, बहुत ऑनेस्ट था उसके प्रति, तो उसने कहा ठीक है कर लेते हैं। इन लोगों ने नैना की लाश को निकाला बोरे से और तंदूर में डाला और फिर उसमें आग लगा दी। लेकिन फिर उनको लगा कि ये लाश तो जल ही नहीं रही है ठीक से, तो उन्होंने कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ थी वो डाल दी। फिर नहीं समझ आया तो उनके कुछ पोस्टर्स रखे थे, उनके पैम्पलेट्स वगैरह और पोस्टर्स वगैरह, जो चूँकि वो लीडर था तो उसके बहुत सारे पोस्टर्स थे, तो उसने वो सब भी डाल दिए, तब भी आग नहीं लगी।
तब सुशील की नज़र गई कि देखा एक बटर रखा हुआ था, तो उसने एक बट्टी बटर जो है वो डाल दी। जैसे ही बटर डाला तो आग तेज़ हो गई, तो उसको लगा ये एक अच्छा तरीका है, बटर डाल देते हैं आग तेज़ हो जाएगी, फटाफट काम उनका हो जाएगा। तो उसने गलती ये करी कि उसने उठा के वहाँ पे जितना बटर था वो सब डाल दिया। तब जैसे ही सारा बटर डाला तो आग की लपटें बहुत तेज़ होने लगी, और बहुत तेज़ होने लगी तो उसी दौरान जो बाहर जो सब्जी वाली थी उसने देखा, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फिर वहाँ पे जो पुलिस जा रही थी, कांस्टेबल कांस्टेबल को बोला, कांस्टेबल की बाद में कोशिश करी जाने की, जब इन लोगों ने जाने नहीं दिया तो उन्होंने पेट्रोलिंग वाले पुलिस जो है उनको बुलाया। वो लोग जब एंटर हुए और जब इसको सुशील कुमार को ये लगने लगा कि ये तो पकड़ा जाएगा, तब ये तुरंत वहाँ से भाग गया। और पकड़ में पुलिस के कौन आया? केशव। अब केशव आया तो केशव पहले तो बहुत ही घबराया हुआ था, उसने बहुत चीज़ें डिनाई करी, लेकिन फाइनली उसने मान भी ली ये बात। इधर सुशील जो है वो सीधे भाग के बैंगलोर चला गया। बैंगलोर जाके उसने पूरा अपना सिर शेव करा लिया, दाढ़ी मूछें सब शेव करा ली, अपना लुक पूरा बदल लिया ताकि कोई उसको पहचाने ना। वहाँ जाके केशव ने, क्योंकि उसको डर था कि कब हो सकता है पुलिस उसके पास आ ही जाएगी, तो उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अपना एप्लीकेशन दी कि उसे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, उसे डर है कि उसको उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, कोई उसे गलत तरीके से फंसा ना ले, एंड सो ऑन। लेकिन वहाँ पे जो एक एडवोकेट थे वो जानते थे, और वहाँ जो पुलिस थी वो जानती थी कि ये कौन है, और पहचान लिया उसको। उन्होंने दिल्ली बता दिया कि यहाँ पे सुशील कुमार आया हुआ है और एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। जब उसको एंटिसिपेटरी बेल के लिए जब उसकी हियरिंग थी, तब तक दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँच गई और उसने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सुशील कुमार गिरफ्तार हो गया, वहाँ जब पहुँचा दिल्ली में उसको ले गए, वहाँ पे उससे पूछताछ हुई। अगेन वो शुरू में डिनाई करते रहे, लेटर ऑन जब उन्होंने कहा कि केशव ने सारी बातें बोल दी है, तो उसने मान लिया कि हाँ उससे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, सारी बातें बताई। बोला कि मेरा इरादा कुछ नहीं था, आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था और गुस्से में मैंने ऐसा कर दिया। तो पुलिस ने भी उससे यही बात कही कि अगर सिर्फ गुस्से में ये बात, स्पर ऑफ द मोमेंट में ये बात होती तो शायद फिर भी तुम्हारी सज़ा थोड़ी कम हो सकती थी, लेकिन तुमने जो किया उसके बाद वो माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। 1995 में ये केस कोर्ट में चला, लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहकर उनको फांसी की सज़ा दिलाई सुशील कुमार को, और केशव को हेल्प करने के लिए 7 साल की सज़ा हुई, जिसके अगेंस्ट सुशील कुमार ने हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट ने भी इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में माना और उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा, बोले कि यही सज़ा होगी। जिसके अगेंस्ट में अगेन सुशील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। ये चीज़ होते 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 2015 आ गया। 95 में गिरफ्तारी हुई थी, 2015 20 साल बाद, 20 साल हो गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि सुशील कुमार का कोई बैकग्राउंड नहीं था, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं था, और उसका इरादा वो स्पर ऑफ मोमेंट में हुआ था, इसलिए उसकी जो डेथ पेनल्टी है उसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जब हम बात करते हैं लॉ में, तो कई तरह के इस पे इशूज़ हैं, कई तरह के लोग बातें करते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी 14 ईयर्स, कई लोग इसको 20 ईयर्स मानते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जो उसमें लिखा रहता है कि टिल डेथ, मतलब जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो उसमें है, जेल में रहेगा, ऐसी कई तरह की बातें होती है। इसमें कई हॉलीडेज़ भी काउंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगी ताकि इसकी डिटेल आपको पता चल जाए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्चुअली क्या होता है। चूँकि उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया था, तो इसी के अगेंस्ट में सुशील कुमार ने पैरोल के लिए अप्लाई किया, ये कह के कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर 14 ईयर्स का होता है तो उससे ज़्यादा सज़ा तो मैं वैसे ही जेल में काट चुका हूँ, तो मुझे पैरोल पे छोड़ा जाए। अगेन कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया और यही बात बोली कि उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, जब वो बाहर था जेल पे भी और जेल में भी था, तो यही चीज़ कि उसने
उस जितना सज़ा मिलनी थी उससे ज़्यादा वो जेल में काट चुका है। टेक्निकली देखें तो अगर छुट्टियां भी काउंट होती है तो उसकी 4 साल करीब की छुट्टी हो रही थी, तो वो टेक्निकली 24 ईयर्स हो रहा था, ऑलमोस्ट 23 एंड हाफ हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स वो जेल में काट चुका था। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने उसको जज बरी कर दिया और सुशील कुमार बाहर आ गया। उसके बाद सुशील कुमार कहीं और दूसरे नाम से चले गए, उसकी आइडेंटिटी किसी को बहुत सालों तक पता ही नहीं थी कि वो कहाँ चला गया है। बाद में बहुत सारे मीडिया ने उसको आइडेंटिफाई किया और देखा पता किया, उसने बोला भी, उसके अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, कई सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसने कन्फेस किया, उसने कहा कि कई बार हम स्पर ऑफ मोमेंट में ये चीज़ें कर देते हैं, और उसके समय में काउंसलिंग वाली चीज़ें नहीं होती थी, अगर ये चीज़ें तब होती काउंसलिंग तो शायद हम कुछ और करते, हमारे मतलब बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज भी लाइफ कुछ और होती और हम जेल में भी शायद कुछ अलग तरह से रिएक्ट करते। कई लोग होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो हालात की वजह से क्रिमिनल हो जाते हैं, तो मैं उस कैटेगरी में हूँ जो हालात की वजह से क्रिमिनल हो गया था, तो मैं अब उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। खैर ये तो सुशील कुमार की बात थी, लेकिन नैना साहनी की बात करें तो हम एक यही चीज़ जानते हैं कि लाइफ में कई बार ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं होती है तो हालात बहुत से बदतर हो सकते हैं। तो ये थी कहानी नैना साहनी की, इनफेमस तंदूर कांड की। आप मानेंगे नहीं लेकिन वो एक ऐसा केस था जिसको सुनने के बाद बहुत समय तक लोगों ने तंदूर से रिलेटेड कोई भी डिश खाना बंद कर दिया था। लोग होटल जाते थे तो डर जाते थे और इस तरह के ऑर्डर होने ही बंद हो गए थे, ना तो कोई तंदूरी रोटी खाता था ना तंदूरी प्लेटर खाता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, जैसा कि हमेशा होता है, हम सब भूल जाते हैं, और यही अब भी हुआ। So that's all for today. Hope you like the video, and if you like it, do not forget to hit the like button and subscribe my channel.